देश भर में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस जानलेवा वायरस के मामले दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ रहे हैं। इस वायरस के तेजी से फैलने के कई सारे कारण बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों का मानना है कि ये हवा में भी फैल रहा है। हालांकि WHO इस बात को लेकर एक जानकारी दे रहा है। WHO के अनुसार कोरोना वायरस के हवा में फैलने की बात सिर्फ एक अफवाह है। कोरोना वायरस हवा में फैलने वाला वायरस नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वायरस को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसी कई अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिनमें कहा जा रहा था कि कोरोना वायरस हवा में 8 घंटों तक एक्टिव रह सकता है। WHO ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस सिर्फ सरफेस या ड्रॉपलेट के जरिए ही एक इंसान से दूसरे इंसान को संक्रमित करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बढ़ते खतरे के चलते सरकार ने पूरे देश को 14 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। कोरोना वायरस के मरीजों में हर दिन ज्यादा संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश में अब तक इसकी वजह से 32 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़कर 1000 के पार चला गया है। ईरान से लाए गए 277 भारतीय लोगों में एक को कोरोना निकला है। इन लोगों को राजस्थान के जोधपुर से लाया गया था। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।